आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड दस्तर अकेडमी में एक बार फिर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं CUET PG का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए थे उनका जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया गया है। अब आपको देखना है कि आप अपना रिज़ल्ट जो है वो कैसे चेक कर सकते हैं। अभी रिज़ल्ट आया है, उसके बाद जो है वो आपकी कट ऑफ आएगी, इसलिए आप अपना स्कोर देखिए। जितना भी आपको 400 में से मिला है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को मिला के, हालांकि आपने अगर प्रोस्पेक्टस पढ़ा होगा तो उसमें मेंशन किया गया था कि आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो आपके डोमेन सब्जेक्ट से बनेगी, यानी कि आपके पार्ट बी वाले सेक्शन से जो है वो आपकी कट ऑफ बनने वाली है। तो आप देख सकते हैं या आपके मोबाइल की स्क्रीन पर या लैपटॉप की स्क्रीन पर जो है वो आप अपना ये ऑफिशियल पेज है CUET PG का। आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के और फिर नीचे सिक्योरिटी पिन डाल के अपना रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आप इसे सबमिट कर देंगे तो आपके सामने आपका रिज़ल्ट जो है वो खुल के आ जाएगा। जैसे ही आप अपना रिज़ल्ट चेक करेंगे तो उसके लिए आपको कोई अलग से कोई सर्टिफिकेट या अलग से कोई आपको कोई डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड नहीं करना है, वह ऐसे का ऐसे ही आप लोग उसे संभाल के रखिएगा। चाहे तो आप लोग उसे PDF के तौर पर रख सकते हैं या फिर आप उसे स्क्रीन शॉट भी लेकर जो है आप उसे सेव कर सकते हैं। अब दो चार दिन बाद जो है वो आपकी कट ऑफ आएगी अलग अलग यूनिवर्सिटी की जो जो CUET में शामिल थी। जैसे आपको मालूम होगा BHU, JNU, जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी और भी दिगेर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब अपनी कट ऑफ जारी करेंगी। तो जिसमें कट ऑफ में आपका लिस्ट का नाम आएगा उस वाले फॉर्म का या उस वाली यूनिवर्सिटी को आपको दोबारा से क्या करना होगा, फॉर्म भरना होगा। सारी चीज़ें जो है वो आपको चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी पर बता दी जाएंगी, आप लोग जो है वो अपडेट रहिएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपना जो रिज़ल्ट है वो किस तरह से चेक करना है। तो सबसे पहले आप अपने यहाँ पे जो है वो एप्लीकेशन नंबर डाल देना। तो यहाँ पर मैंने बच्चे का एप्लीकेशन नंबर और उनकी डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। अब उसके बाद आपको जो है वो सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे वो आपको एक नई स्लाइड पे लेके चले जाएगा और वहाँ से जो है वो आप अपना रिज़ल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो आपका रिज़ल्ट खुल के आएगा, आपका रोल नंबर रहेगा, आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा और बाकी की जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस बच्चे का जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे आपको शो करेगा और इसके लिए जो है वो आपको अब जो है वेट करना होगा कट ऑफ का। जैसे ही कट ऑफ आएगी तो आपको जो है वो इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।